हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंड्रिदितिमन। आमेर के कछवाहा वंश के शासकों में हम लोगों ने मानसिंह को पढ़ लिया था। मानसिंह के बाद नेक्स्ट शासक हैं मिर्जा राजा जयसिंह। तो मानसिंह जिन्होंने लगभग 25 वर्ष जो है वो मुगल सेवा में बिताए थे, याद रखिएगा। मिर्जा राजा जयसिंह का समय 1621 से 1667 ईस्वी तक का रहा और इनका जो शासन का समय रहा वो सर्वाधिक रहा कछवाहा शासकों में। 46 वर्षों का शासन रहा इनका, जो कि सबसे लंबा शासन माना जाता है सभी आमेर के कछवाहा वंश के शासकों में। ठीक है, ये याद रखना है। राजा मानसिंह के जो ये 25 वर्ष हैं ये मुगल सेवा में बीतते हैं। तो यहाँ पर जो राजा मानसिंह थे वो अकबर और जहांगीर इनकी सेवा में रहे थे। ठीक है, हालांकि बहुत छोटी उम्र में ये चले गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह इनके समय 3 मुगल शासक रहे हैं, मुगल बादशाह रहे हैं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो जहांगीर जो है, जो कि 1605 से 1627 तक इनका समय रहा शासन का, शाहजहां का 1627 से 1658 तक रहा, औरंगजेब का 1658 से 1707 तक रहा। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 3 मुगल शासकों का समय देखा मिर्जा राजा जयसिंह ने, और मानसिंह ने 2 मुगल शासकों का समय देखा था। ठीक है, तो याद रखना है इस लाइन को। यदि मैंने मानसिंह के बारे में बोल दिया है तो वहां पर जो है वो आप थोड़ा सा करेक्शन जो है वो कर लेना। मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने मानसिंह राजा के बारे में ये बोल दिया था कि सर्वाधिक जो है शासन का समय उनका रहा। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है 46 वर्षों का शासन, सबसे लंबा शासन करने वाला कछवाहा शासक। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मिर्जा राजा जयसिंह को जो है, जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने कई अभियानों पर भेजा। तो सबसे पहले जो है जहांगीर के द्वारा भेजा गया इनको 1623 ईस्वी में मलिक अंबर विरुद्ध के दक्षिण में इनको भेजा गया। याद रखना है किसने भेजा है, जहांगीर ने सबसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह को। ठीक है, 1629 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमांत में इन्होंने उज्बेकों के विद्रोह को दबाया था। वहीं 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया था। तो जो मुगल सम्राट थे वो इनकी अद्भुत साहस और वीरता से बहुत खुश रहते थे। तो 1636 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां के साथ इनको भेजा बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर। ठीक है, दक्षिण भारत भेजा गया। 1639 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि शाहजहां जो है इन्होंने मिर्जा की उपाधि प्रदान की रावलपिंडी में। ठीक है, तो राजा जो जयसिंह थे इनको मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की, शाहजहां ने प्रदान की। 1658 ईस्वी में होता है मुगल उत्तराधिकार युद्ध, जहां पर धर्मत का युद्ध जो है 1658 में ही होता है, याद रखें। तो इसमें जो है दारा सिखों का साथ देते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, लेकिन अपनी कूटनीति से जब दारा सिखों पराजित हो जाता है, औरंगजेब विजयी हो जाता है, तो बाद में औरंगजेब के साथ ये हो लेते हैं। देवराई के युद्ध में जयसिंह और औरंगजेब की हरावल सेना का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। तो यही चीज औरंगजेब को जो बहुत पसंद आती है कि ये जो है वो बहुत ही साहसी हैं, वीर हैं और अपनी कूटनीति से जो है वो कार्य करते हैं। तो औरंगजेब से इनकी मुलाकात जो है वो कहाँ हुई थी, मथुरा में हुई थी। इनकी कूटनीति से प्रसन्न होकर ही, प्रभावित होकर ही औरंगजेब जो है इन्हें दक्षिण में मराठों के विरुद्ध जो है वो भेजते हैं। ठीक है, तो दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध इनको भेजा जाता है। तो दक्षिण में जयसिंह जो है इन्होंने अपनी कूटनीति से जो है शिवाजी जो है इनको भी अकेला कर दिया था। ठीक है, और पुरंदर की जो संधि होती है वो भी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के जो है साथ में होती है। तो इसको भी जो है जीत जाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, याद रखिएगा, पुरंदर की संधि जो है होती है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के साथ में। जब ये शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जा रहे थे तो इन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह ने ही खुद कहा था कि हम जो है वो शिवाजी को ऐसे व्रत जो होता है इस तरीके से व्रत के केंद्र में इनको घेर लेंगे। तो पहले से ही जो इन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो इसी कुशलता से जो है ये साबित तो हो जाता है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो कितने महान थे, कितने साहसी थे और कितने वीर थे, जिन्होंने महान मराठा शासक जो शिवाजी हैं इनको भी जो है वो रोका। ठीक है, और रोक कर जो है इनको सफल भी नहीं होने दिया और पुरंदर को जो है वो जीतने में सफल रहे मिर्जा राजा जयसिंह। तो 11 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है। यहाँ पर मुगल साम्राज्य जो थे उस वक्त औरंगजेब थे, तो यहाँ पर जो सेनापति हैं जय सिंह प्रथम,
इनकी तरफ से होते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मराठा शासक शिवाजी, इनके बीच में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए जाते हैं, क्योंकि जयसिंह जो है वो पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लेता है, और शिवाजी जो है यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ समझौता करना ही सही होगा, तो हस्ताक्षर करने के लिए ये मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि शिवाजी जो है इनको ये महसूस होने लग जाता है कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध से जो है इनके साम्राज्य को केवल क्या होगा, नुकसान होगा, तो और उनके आदमी जो है वो काफी संख्या में मारे भी जा सकते हैं, तो भारी नुकसान होने की संभावना के डर से पुरंदर की संधि करते हैं मराठा शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में। तो औरंगजेब की ओर से संधि करने वाला जो राजा था वो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। और ये जो संधि होती है इसके प्रत्यक्ष जो दृष्टा है, जिन्होंने इसको देखा, तो वो इतिहासकार हैं मनुची और बर्नियर, याद रखना है। शिवाजी ने जो है संधि के तहत जो है वो अपने 35 में से 23 जो किले हैं औरंगजेब को इसको देने पड़े, इसके साथ में अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में इनको 5,000 मंसर पर इनको रखा भी गया। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, जहाँ पर मुगल जो है उन्होंने ये भी शर्त रखी कि जहाँ जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी मुगलों को, शिवाजी को भी आना होगा। तो औरंगजेब ने शिवाजी को जो है वो जयपुर हवेली और राम सिंह की हवेली में कैद भी किया था, याद रखना है। मिर्जा राजा जयसिंह की नियुक्ति जो है वो दक्षिण में बीजापुर में हुई, बीजापुर से लौटते समय जो है वो बुरहानपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से मिर्जा राजा जयसिंह की जो कूटनीति थी, इनकी साहस वीरता थी, तो इससे औरंगजेब काफी प्रसन्न रहता था। जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा जिसमें 713 दोहे हैं, राम कवि जिन्होंने जयसिंह चरित्र ग्रंथ लिखा, कुलपति मिश्र जो कि बिहारी के भांजे थे इन्होंने 52 ग्रंथ लिखे थे, और दक्षिण अभियान में मिर्जा राजा जयसिंह के साथ में ही इनके, बिहारी के भांजे इनके साथ में ही थे। ठीक है, याद रखना है, औरंगाबाद में जयसिंह पुरा बसाया, किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से मिर्जा राजा जयसिंह का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है, अच्छे तरीके से जो है वो आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट शासक है मिर्जा राजा जयसिंह के बाद सवाई जयसिंह, जिनका शासन का समय 1700 से 1743 ईस्वी तक का रहा है। अब देखिए, ये जो जयसिंह है ये जयसिंह द्वितीय है, इनको सवाई की उपाधि जो है वो कौन प्रदान करता है? औरंगजेब प्रदान करता है, और इनके बाद के जितने भी शासक होंगे वो सभी अपने नाम के आगे सवाई लगाने लगेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इनका पहले का नाम क्या था? प्राचीन नाम विजय सिंह था, जयसिंह और विजय सिंह ये दोनों भाई थे। जो विजय सिंह थे इनसे औरंगजेब इनके जो बोलने की स्टाइल से जो है वाक्पटुता से जो है वीरता से बहुत प्रसन्न रहते थे, तो इसी वजह से औरंगजेब ने जो है वो विजय सिंह का नाम जो है वो बदल कर रख दिया जयसिंह, और जयसिंह जो इनका भाई था उसका नाम बदल कर रख दिया विजय सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाई जयसिंह जो है इनको ग्रहों और ज्योतिष का ज्ञानी कहा जाता है, इनको ग्रहों के बारे में, ज्योतिषी के बारे में बहुत नॉलेज थी। सवाई की उपाधि इनको किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब जो है इनसे बहुत खुश रहते थे। और देखिए, जब 1700 ईस्वी में ये राज्य संभालते हैं, 1700 ईस्वी में ही औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद जो है उत्तराधिकार युद्ध होता है इनके जो बेटे थे उनके बीच में। तो यहाँ पर जो जयसिंह थे वो इनके जो बेटे थे आजम, इनका साथ देते हैं। ठीक है, मुअज्जम और आजम जो हैं इसमें जो है युद्ध होता है, इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? पहले भी मैंने आपको बताया है, जाजू का युद्ध। ये युद्ध होता है आजम और मुअज्जम के बीच में, जयसिंह साथ किसका देते हैं? आजम का, लेकिन मुअज्जम इसमें विजयी हो जाता है। मुअज्जम अपना नाम जो है वो विजय होने के बाद क्या रख लेता है? बहादुर शाह रख लेता है। ठीक है, और आमिर का नाम जो है वो बदल देता है, आमिर का नाम जो है वो परिवर्तित करके क्या रख देता है? मोमिनाबाद रख देता है। तो ये जो चीजें हैं वो बार बार याद करते चलिए, क्योंकि ये जो युद्ध है जाजू का युद्ध, वो पहले भी मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, तो यहां पर जो है जो कौन था ये जिसका नाम जो है वो अब क्या कर दिया था? विजय सिंह। बहादुर शाह जो है इस विजय सिंह को आमेर की गद्दी पर बिठा देता है, लेकिन यहाँ पर जो जयसिंह है वो मेवाड़ की सहायता से दोबारा से आमेर को प्राप्त कर लेते हैं। बाद में मुगल सम्राट जो है वो आमेर का शासक इसको स्वीकार कर लेते हैं। फर्रुखसियर जो थे, फर्रुखसियर इनकी सहायता से, और जो मेवाड़ जो है उनकी सहायता से
मेवाड़ के जो शासक थे उनकी सहायता से सवाई जयसिंह जो है वो आमेर को प्राप्त कर लेते हैं, आमेर की गद्दी पर ये बैठते हैं। सवाई जयसिंह से संबंधित एक और बात है कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जो हुड़ा सम्मेलन होता है तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है, इनके द्वारा ही जो है हुड़ा सम्मेलन बुलाया भी जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में जो है ये असफल भी हो जाता है। ये सम्मेलन जो है वो क्यों बुलाया गया था तो ध्यान में रखिएगा कि मराठे जो थे वो राजपूताना में एंट्री कर रहे थे, हस्तक्षेप कर रहे थे राजपूतों के जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें, तो राजपूत शासक जो हैं वो ये चाहते थे कि एकजुट होकर जो हैं सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोई भी परेशानी होगी तो सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे, बात करेंगे और समस्या को सुलझाएंगे, लेकिन ये जो सम्मेलन था ये असफल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राज राजेश्वर की उपाधि जो है इनको किसने दी थी, मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी, तो जितने भी मुगल सम्राट थे वो इनसे खुश रहते थे सवाई जयसिंह से। तो सवाई जयसिंह जिन्होंने सर्वाधिक जो है वो 7 मुगलों का काल देखा है, आपको याद रखना है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो 3 मुगल सम्राटों की सेवा में रहे थे, कौन कौन से, एक तो जहांगीर, दूसरा शाहजहां। इन चीजों को बार बार बोलेंगे आप तो ये चीजें उतनी ही जल्दी याद होंगी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इनके जो समय थे वो कौन थे, मिर्जा राजा जयसिंह। और जो सवाई जयसिंह है इन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब तो थे ही, इसके साथ इनके जो बेटे थे तो उनका जो है वो समय देखा, क्योंकि औरंगजेब का जैसे ही शासन समाप्त हुआ इनकी मृत्यु के बाद तो जितने भी जो है शासक रहे हैं, जितने भी ये मुगल सम्राट रहे हैं, तो इनका समय बहुत कम ही रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर मुगलों का जो शासन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो बहादुर शाह प्रथम जो कि मुअज्जम के नाम से थे पहले, जहांदर शाह लंबट मूर्ख के नाम से जाना जाता है इनको, फर्रुख शियर जिनको घृणित कायर कहा जाता है, रफी उर्जात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो 7 मुगल सम्राटों का जो है वो काल देखा था सवाई जयसिंह ने। सर्वाधिक समय बिताने वाले जो कछवाहा शासक रहे हैं वो है मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। मानसिंह ने जो है वो 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी, अकबर और जहांगीर, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है जाजू के मैदान में, जाजू का युद्ध के नाम से हम जानते हैं। जाजू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर आजम है, दूसरी तरफ मुअज्जम है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा है कि मुगल सम्राट आगे कौन बनेगा। तो यहाँ सवाई जयसिंह का जो भाई है ये मुअज्जम का साथ देता है, और सवाई जो जयसिंह है, जयसिंह सेकेंड जो है ये देते हैं आजम का साथ। यहाँ मुअज्जम विजयी होकर अपना नाम बदल कर रख देता है बहादुर शाह प्रथम, और मुअज्जम ने जो है वो सवाई जयसिंह के जो भाई है विजय सिंह इसको आमेर का शासक बना दिया था। तो आमेर का नाम बदल कर कर देते हैं मोमिनाबाद, और यहां पर फौजदार सैयद हुसैन खां को नियुक्त किया जाता है। लेकिन मेवाड़ की सहायता से जयसिंह सेकंड जो है सवाई जयसिंह वो यहां पर जो है आमेर को दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, और मुगल सम्राट जो है वो भी आमेर का शासक जो है इनको स्वीकार कर लेते हैं। 1708 ईस्वी में देवारी समझौता होता है, कहाँ होता है ये, उदयपुर में। तो देखिए ये भी चीज मैंने आपको पहले बताई थी जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया, मारवाड़ पढ़ाया, तो एक तरफ आमेर के सवाई जयसिंह हैं, मारवाड़ के अजीत सिंह हैं और मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय हैं, तो एक दूसरे की सहायता करेंगे इस समझौते के अनुसार जो है वो तय हुआ था। और दूसरा शर्त भी रखी गई थी, अमर सिंह सेकंड ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह जो हैं उनकी जो पुत्री है चंद्रकुवरी से विवाह करेंगे, और जो चंद्रकुवरी का पुत्र होगा वो आगे चल के आमेर का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये शर्त यदि मंजूर है तो ऐसा ही समझौता इसमें हुआ, तो शर्त मंजूर है तभी जो है वो हेल्प करेंगे अमर सिंह सेकंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सवाई जयसिंह को क्या चाहिए था, आमेर चाहिए था, अजीत सिंह जो है इनको क्या चाहिए था, मारवाड़ चाहिए था, तो इस वजह से ये शर्त अमर सिंह सेकंड ने रखी। चंद्रकुवरी से जो है वो माधो सिंह का जन्म होता है, जबकि जयसिंह का जो बड़ा पुत्र था वो था ईश्वरी सिंह, तो ये ईश्वरी सिंह जो कि इनकी बड़ी रानी सूरज कवरी का पुत्र था, तो यहाँ पर ईश्वरी सिंह इसको बनना चाहिए था राजा, लेकिन शर्त क्या थी कि जो इनकी जो दूसरी रानी होंगी चंद्रकुवरी तो उनका जो बेटा है वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस वजह से बाद में चलकर माधव सिंह और ईश्वरी सिंह दोनों के बीच में युद्ध होता है। 1713 ईस्वी में फर्रुख सियर जो है
सवाई जयसिंह को 7,000 की मनसबदारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जब औरंगजेब के बाद जब उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है, तो उसके बाद जो जो मुगल सम्राट थे, पहले तो इनसे खुश नहीं थे। औरंगजेब के बाद जो सम्राट थे वो सवाई जयसिंह से खुश नहीं थे, लेकिन फर्रुखसियर जो है वो 1713 में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर देता है। तो मेवाड़ की सहायता से जब जयसिंह जो है वो आमेर को दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, तो ये बाद में जो है ये खुश होकर इनको 7,000 की मनसबदारी प्रदान करते हैं। कौन? फर्रुखसियर। 1715 में सवाई जयसिंह का युद्ध जो है वो मराठों के साथ होता है, जिसे पीपलूद का युद्ध कहा जाता है। इसमें सवाई जयसिंह विजयी होते हैं। 1733 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध होता है मराठों के साथ, इसमें मराठे विजयी होते हैं। 1735 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध जो होता है मराठों के साथ, तो इसमें मराठे विजयी होते हैं। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह जो हुरडा सम्मेलन बुलाते हैं 17 जुलाई 1734 को, तो कारण क्या था कि यहाँ पर सभी जो है एकजुट होकर संगठित होकर मराठों का मुकाबला करें। ठीक है, यदि सभी जो है राजपूत एक साथ हो जाते तो यहाँ पर मराठे जो हैं वो इतनी आसानी से यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाते, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो फेल हो जाती हैं। मराठे जो हैं वो 1733 ईस्वी में जीतते हैं यहाँ। 1735 में रामपुरा के युद्ध में भी मराठों की विजयी होती है। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। तो नक्षत्रों के इनको बहुत नॉलेज थी, ज्योतिष ज्ञानी थे ये, और इसका नाम जो है वो क्या रखा इन्होंने? जीज मोहम्मद शाही। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के लिए। 1726 में जयगढ़ फोर्ट जो है बनवाया इन्होंने आमेर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो अभी तक राजधानी क्या बनी हुई है? आमेर बनी हुई है, तो आमेर को सुरक्षित तो रखा ही जाएगा। 17 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया। जयपुर का जो नक्शा है वो एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर भट्टाचार्य इसने बनाया था, और इसकी जो नींव है वो पंडित जगन्नाथ के द्वारा रखी गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जयपुर शहर जो है वो किसने बसाया, तो ये बसाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, याद रखना है, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है वो जयपुर बसाया गया, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, याद रखना है आपको। ठीक है, और इसकी जो नींव है वो किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। जयपुर को 9 चौकड़ियों का शहर भी कहा जाता है। नोट में देखिए, 2019 अज़रबैजान की राजधानी बाकू में सम्मेलन होता है, और इसमें जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा होड़ा सम्मेलन होता है, मराठों के विरुद्ध यह सम्मेलन जो है वो बुलाया जाता है। आयोजनकर्ता कौन है? यही है सवाई जयसिंह सेकंड है। अध्यक्ष यहाँ पर जगत सिंह सेकंड करते हैं। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जगत सिंह सेकंड के द्वारा। इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित हुए उनके नाम हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले कि होड़ा सम्मेलन जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बुलाया गया था, तो इसमें किस किस को शामिल किया गया था? तो बीकानेर के जोरावर सिंह राठौड़ थे, किशनगढ़ के राज सिंह राठौड़ थे, नागौर के भक्त सिंह राठौड़ थे, कोटा के दुर्जन सिंह राठौड़ थे, और बूंदी के कौन थे? दलेल सिंह हाड़ा थे। ठीक है, तो बीकानेर के शासक, जोधपुर के, किशनगढ़ के, नागौर, कोटा, बूंदी, सभी जो है इस हुरडा सम्मेलन में जो है भाग लेते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद सेना जो है वो रामपुरा कोटा में इकट्ठा होने की योजना बनाती है, और ये योजना जो है वो बाद में विफल हो जाती है, और हुरडा सम्मेलन के लिए जो भी योजना की गई थी वो क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। 1734 ईस्वी में नाहरगढ़, या जिसको हम सुदर्शनगढ़ भी बोलते हैं, इसका निर्माण जो है वो मराठों से बचने के लिए सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। और नाहरगढ़ को क्या बोला जाता है? जयपुर का पहरेदार या रक्षक भी कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आमेर की रक्षा के लिए जयगढ़ फोर्ट का निर्माण जो है करवाते हैं, कौन करवाते हैं? सवाई जयसिंह। ठीक है, जयगढ़ फोर्ट जो है किस लिए बनाया जाता है? आमेर की रक्षा के लिए। अब जयपुर जो है, जयपुर शहर बसाया, तो अब जो है जयपुर की क्या करनी होगी? इसकी रक्षा करनी होगी। तो नाहरगढ़ को जयपुर का पहरेदार और रक्षक भी कहा जाता है। नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शनगढ़ का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। इस किले में माधवेंद्र भवन है, जहां पर आमेर के जो शासक हैं, जो राजा हैं, वो गर्मियों के दिनों में जो है यहाँ पर निवास स्थान है इनका, निवास के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि नाहरगढ़ को जो है वो जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, और इस किले में है एक माधवेंद्र भवन। पूछा जाएगा कि
माधवेंद्र भवन जो है वह कहाँ पर है, किस किले में है, तो वह नाहरगढ़ में है, ठीक है। और गर्मियों के टाइम में राजाओं का निवास स्थान के रूप में इसे प्रयोग में लिया जाता है। सवाई जयसिंह के द्वारा वैधशालाओं का निर्माण करवाया गया और इन्होंने 5 वैधशालाओं का निर्माण करवाया नक्षत्रों की गणना के लिए। वैधशालाओं का निर्माण जो सवाई जयसिंह ने क्यों करवाया, नक्षत्रों की गणना करने के लिए करवाया था, ठीक है। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने जो है नक्षत्रों की जो शुद्ध सारणी बनाई थी, जिसको क्या कहा उन्होंने, जीज मोहम्मद शाही उसका जो है नाम रखा, ठीक है। तो दिल्ली में जो है इन्होंने बनाई वैधशाला, एक जयपुर में, एक मथुरा में, एक बनारस में और एक उज्जैन में बनाई, जिसमें दिल्ली की जो वैधशाला है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है। जयपुर की जो वैधशाला है वो सबसे बड़ी है, क्या नाम है, जंतर मंतर है। मथुरा कहाँ, यूपी में है, यहाँ पर बनाई। बनारस भी यूपी में है, ठीक है, वाराणसी, यहाँ पर भी बनाई। और उज्जैन कहाँ है, एमपी में, तो यहाँ पर भी इन्होंने वैधशाला का निर्माण करवाया था। कैसे याद रखोगे ये, तो ऐसे आप याद रख लेना, DJBUM, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना। डी से क्या है, दिल्ली है, जैसे जयपुर है, बी से क्या है, बनारस है, यू से उज्जैन है, और एम से क्या है, मथुरा। DJBUM ऐसे आप बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ी वैधशाला जो कि जयपुर में इन्होंने इसका निर्माण किया, जंतर मंतर, जिसे जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जंतर मंतर जो है यहाँ ऊंचाई को नापने के लिए राम यंत्र और सबसे बड़ी घड़ी जो है वो सम्राट लगी हुई है। नेक्स्ट है, देखिए पॉइंट, अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जय बाण तोप। तो जय बाण तोप जो कि तोप ढालने का क्या है, संयंत्र, ठीक है। तो ये भी किसके द्वारा करवाया गया ये कार्य, सवाई जय सिंह के द्वारा। और ये जय बाण तोप जो है वो 50 टन की है, ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। नेक्स्ट देखिए कि जयसिंह जो है इन्होंने जयकारिका ग्रंथ लिखा था, ठीक है। जयकारिका ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था, जयसिंह ने लिखा था। तो इनके जो दरबारी थे पुंडरीक रत्नाकर, जिन्होंने जयसिंह कल्पद्रुम लिखा था, और जनार्दन भट्ट जो है इन्होंने श्रृंगार शतक लिखा था। तो ये जो है ज्योतिष के ज्ञानी थे। तो जयसिंह जो है इन्होंने जो जयकारिका ग्रंथ लिखा था, ये एक कैसा ग्रंथ था, ज्योतिष ग्रंथ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जयसिंह जो है इन्होंने देखिए सिटी पैलेस, चंद्र महल, जल महल, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, और यहाँ पर गोविंद देव जी के जो मंदिर है इसमें जो प्रतिमा लेकर आए वो कहाँ से लेकर आए, वृंदावन से लेकर आए। तो कई बार जो है बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर कि जो जयपुर में गोविंद देव जी का जो मंदिर है, इसकी जो प्रतिमा है, जिस जो मंदिर में प्रतिमा रखी हुई है, इसको वृंदावन से कौन लेकर आए, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह। तो ध्यान रखिएगा, सवाई जय सिंह लेकर आए। सिसोदिया रानी के महल का निर्माण भी कराते हैं सवाई जय सिंह। और ये जो है जो चांद कंवर हैं, इनकी याद में इन्होंने सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। और सवाई जय सिंह जो है वो पहले राजपूत हिंदू शासक थे जिन्होंने सती प्रथा, विधवा विवाह को मान्यता दी, ठीक है, सती प्रथा की रोकथाम और विधवा विवाह जो है इसको मान्यता के लिए जो है वो नियम बनाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। सवाई जयसिंह अश्वमेध यज्ञ कराने वाले अंतिम हिंदू सम्राट रहे हैं, और इस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे वो पुंडरीक रत्नाकर थे। इम्पोर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो है ब्राह्मणों के लिए जल महल जो है बनवाते हैं सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह जो है इन्होंने ब्रजराज की उपाधि किसको प्रदान की थी, बदन सिंह को प्रदान की थी। तो सवाई जयसिंह का टॉपिक जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो मैंने आपको बताई। 1700 से लेकर 1743 तक का जो है वो शासन का समय रहा सवाई जयसिंह का। सवाई की उपाधि इनको किसने प्रदान की, औरंगजेब ने प्रदान की थी, ठीक है, आप याद रखिएगा। आमेर का राज्यभार इन्होंने 1700 ईस्वी में जो है वो संभाल लिया था, ठीक है। 1734 ईस्वी का जो होल्डा सम्मेलन था इनके द्वारा ही बुलाया गया था। इसके अलावा कई कार्य इन्होंने किए थे, ठीक है। 7 मुगल शासकों का शासन तो देखा था किसने, सवाई जयसिंह ने। कार्य इनके द्वारा क्या क्या किए गए थे याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नक्षत्रों की जो है वो शुद्ध सारणी जो है इनके द्वारा बनाई गई थी, इसका नाम जो है इन्होंने जीज मोहम्मद शाही रखा। इनके द्वारा जो ग्रंथ जो कि ज्योतिष ग्रंथ था जिसकी रचना इन्होंने की वो था जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ, ठीक है। 5 जो है वो वैधशालाओं का निर्माण कौन कराते हैं, सवाई जयसिंह कराते हैं।
ऐसे बार बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, जैसे मुझे याद हुआ था। तो जयपुर की जो वैधशाला है वो सबसे बड़ी है, जंतर मंतर बोलते हैं उसको, ठीक है। और जिसको जुलाई 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। जयपुर शहर बसाने वाले सवाई जयसिंह थे, 1727 ईस्वी में इन्होंने जो है जयपुर शहर बसाया था, जिसको आप जानते हो आज, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि जयपुर जो है वो किसने बसाया, तो आप फटाफट से आप बताइएगा, सवाई जयसिंह ने, जयसिंह सेकंड ने, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 1734 में जयपुर में ही जो है नाहर किला जो है उसका निर्माण करवाते हैं, इसकी सुरक्षा के लिए जयमार तोप जो है उसका निर्माण कराते हैं, सवाई जयसिंह ही। चंद्र महल है, सिसोदिया रानी का महल है, तो ये सभी कार्य किसके द्वारा कराए गए, सवाई जयसिंह के द्वारा कराए गए। और महत्वपूर्ण बात कि सवाई जयसिंह जो है वो यहाँ पर जो है अंतिम हिंदू सम्राट रहे हैं, जो कि अश्वमेध यज्ञ जिन्होंने करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा इनकी खासियत और क्या रही है, ये प्रथम राजपूत हिंदू शासक भी रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, सती प्रथा जो है इसके विरुद्ध कार्य किया, ठीक है। विधवा विवाह जो है तो इसको जो है वो मान्यता प्रदान करने के लिए नियम भी बनाए। सभी इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने यहाँ पर आपको बताई, तो इनको बार बार जो है वो पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए ईश्वरी सिंह। इतिहास देखिए ऐसी चीज है जिसको आप बार बार पढ़ेंगे कहानी की तरीके से, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। ईश्वरी सिंह किसके पुत्र हैं, तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, किसके हैं ये, यह है सवाई जयसिंह के बड़े बेटे हैं। 1743 से 1750 इनका शासन का समय रहा है। ईश्वरी सिंह जो है वो अंतिम टाइम में जो है, जब मराठों को ये उनका जो है वो कर जो है वो पूरा टैक्स जो है वो नहीं दे पाते हैं, तो अंत में ये सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये पूरी कहानी हम देखेंगे। पिता जो इनके हैं सवाई जयसिंह हैं, इनकी माता का नाम खींची रानी सूरज कंवर था। यहाँ पर मैं आपको केवल वही चीज़ें बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा जो है वो बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ेंगे। जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष जो होता है, राजमहल का युद्ध के नाम से हम जानते हैं, कहाँ पर है ये, टोंक में, ठीक है। टोंक में होता है 1 मार्च 1747 को। अब ये युद्ध जो है क्यों होता है, तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सवाई जयसिंह जो हैं तो उनकी हो जाती है मृत्यु। तो जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा है ईश्वरी सिंह, ठीक है। अब ईश्वरी सिंह जो है ये गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन जो छोटा बेटा था माधव सिंह, तो 1708 में जो संधि हुई थी, इकरारनामा जो किया गया था, तो उसके आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी पर किसको बिठाना था, माधव सिंह को। अब जो है दोनों भाइयों में हो जाती है लड़ाई, तो गृह कलेश जो है वो प्रारंभ हो ही जाता है। तो दोनों पक्षों की ओर से मराठे जो हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि मराठों को क्या चाहिए था, यहाँ पर हस्तक्षेप करना, ठीक है, और हर चीज जो है वो पता करनी, और फिर यहाँ पर जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना, राजपूत शासकों को जो है अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले लेना, यही वो चाह रहे थे। और मौका जो है ये राजपूत शासक ही दे रहे थे। तो यहाँ पर माधव सिंह जो है इनका साथ जो है वो मराठा मल्हाव राव और पुत्र इनका जो है खांडेराव ये देता है, ठीक है। तो ये जो है वो सैनिक सहायता जो है वो माधव सिंह को पहुंचाता है। दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह जो है इनका साथ राणोजी सिंधिया के द्वारा दिया जाता है। तो इस युद्ध में जो है वो विजयी कौन होता है, ईश्वरी सिंह विजयी होता है, ठीक है। इस युद्ध में विजयी कौन होता है, राणोजी सिंधिया की सहायता से ईश्वरी सिंह विजयी हो जाता है। और ये युद्ध जो है वो बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था। जैसे ही विजय हो जाता है ईश्वरी सिंह, तो ये जयपुर के त्रिपोलिया बाजार जो है उसमें 1749 ईस्वी में ईसरलाट, जिसको सरगासूरी भी कहते हैं, ये क्या है, एक मीनार, तो ये बनवाता है। याद रखना, ईसरलाट या सरगासूरी जो है वो जयपुर में जो मीनार है वो किसके द्वारा बनवाई गई, तो सवाई जयसिंह का जो बेटा है ना ईश्वरी सिंह, इसके द्वारा इसको बनाई गई, ठीक है। तो इसको जो है वो स्वर्ग वेदी मीनार भी कहते हैं, जयपुर का कुतुब मीनार भी कहते हैं। जब ईश्वरी सिंह ने इतना अच्छा काम किया था, अंत में इसको आत्महत्या करनी पड़ी थी। क्यों करनी पड़ी थी, तो अभी हम मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो है 7 खंड हैं, किसमें, ईसरलाट में, ठीक है, मीनार में। इसका नक्शा जो है वो गणेश शिल्पी के द्वारा बनवाया गया था। अब माधव सिंह जो है वो चुप नहीं बैठता है। नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो बगरू का युद्ध होता है 1748 ईस्वी में। दोबारा से माधव सिंह जो है वो क्या करता है, मराठों के पास जाता है और उनसे जो है हेल्प मांगता है। तो अब आपको पता है कि कोई भी युद्ध होता है तो उसमें खर्चा तो होता है। तो ईश्वरी सिंह जो था इस युद्ध में विजयी तो होता है, और उसके बाद जो है बहुत अधिक जो है वो खर्च भी कर देता है, जिससे कि क्या हो जाता है, इसके ऊपर जो है वो कर्जा बढ़ जाता है। यहाँ पर जो है
महाराणा जो जगत सिंह थे, जो पहले जो ईश्वरी सिंह के साथ में थे, लेकिन ये क्या करते हैं, राजमहल का जो युद्ध होता है, जब देखते हैं ईश्वरी सिंह के पास जो है वो धन की भी कमी हो गई है, अब ईश्वरी सिंह अगर युद्ध लड़ेगा तो ये हारेगा, तो ये जो है इसके साथ हो लेते हैं, माधव सिंह के साथ में हो लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईश्वरी सिंह जो है इनके ऊपर ऋण भार जो है वो काफी हो गया था, तो यहाँ पर जो पेशवा जो थे, जो मराठा शासक जो थे, वो भी क्या करते हैं, ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सूरजमल जाट जो हैं भरतपुर के, ये ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं, फिर भी जो है ईश्वरी सिंह इस युद्ध में जो है वह हार जाता है, ठीक है। और हारने के उपरांत जो है ईश्वरी सिंह जो है वो राजमहल, टोंक, मालपुरा, निवाई और टोडा, ये पांच परगने जो है वो इसको माधव सिंह को देने पड़ते हैं। अब पैसा जो है उसकी कमी हो जाती है, तो इस धन की किस तरीके से जो है वो वसूली की जाए, तो ये जो है वो माधव सिंह को इसको देने पड़ते हैं। मराठा माधवराव होलकर जो है चौथ वसूली के लिए जो है यहाँ पर आते हैं ईश्वरी सिंह के पास। अब ईश्वरी सिंह के पास क्या था, धन खत्म हो गया था, तो अब क्या करना पड़ा इसको, ईश्वरी सिंह जो है वो डर गया और इसको करनी पड़ी आत्महत्या। तो 13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने कर ली आत्महत्या। ईश्वरी सिंह को छोड़कर जितने भी कछवाहा राजा हैं, इनकी छत्रियां कहाँ पर बनी हुई है, गैटोर में बनी हुई है। तो अब ईश्वरी सिंह का जो है समय जो है वो समाप्त तो होता है शासन का। माधव सिंह प्रथम जो है वो अभी हैं, 1750 से 1768 तक का जो है इनका समय रहा। तो अब जो होलकर जो थे, इन्होंने माधव सिंह को बुलाकर इसको जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। और माधव सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने जो है उसके सामने जितने भी धन संबंधी लंबी चौड़े जो मांगे हैं वो इसके सामने रख दी। तो माधव सिंह जो है वो मराठों को सबक सिखाना चाहते थे कि अब मैं जो है वो राजा बन चुका हूँ, तो अब मैं तुम्हारे अंडर में कार्य नहीं करूंगा। माधव सिंह के समय जो है, अब मराठों का जो है कत्लेआम 1751 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो है अब राजस्थान की जो राजनीति है उसमें राजपूत मराठा संघर्ष की जो है एक नई उलझन यहीं से जो है स्टार्ट हो जाती है, और जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी क्या होती है, बहुत ही घातक सिद्ध होती है। माधव सिंह के द्वारा क्या क्या कार्य कराया गया, तो सवाई माधोपुर जो है ये बसाया गया 1763 ईस्वी में माधव सिंह के द्वारा। माधव सिंह ने चाकुसा में जो है शीतला माता मंदिर बनवाया, इम्पॉर्टेंट लाइन। माधव सिंह के जो दरबारी हैं द्वारिकानाथ भट्ट, इन्होंने वाणी वैराग्य बगल गीत लिखा। इनकी जो मृत्यु है माधव सिंह की कहाँ हुई थी, मालवा में हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने ईश्वरी सिंह के बारे में पढ़ा, माधव सिंह के बारे में पढ़ा, इनके पिता जो सवाई जय सिंह थे इनके बारे में पढ़ा, और साथ में हमने क्या पढ़ा, साथ में हमने जो है मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ा। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, बार बार इनको बोलना है, ये आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। सवाई जय सिंह के बाद में जितने भी शासक होंगे सभी अपने नाम के आगे सवाई लगाने लगेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।